कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घरों से। नंबर एक, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए यानी तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। नंबर दो, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसों से उस घर की रोशनी और तकब्बुर होती हो। नंबर तीन, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। दोस्तों, रात के वक्त जब कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे तो अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो ऐसी मखलूक देखते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद किया करें, क्योंकि शैतान वो दरवाजा नहीं खोल सकता है जिसे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाता है। दोस्तों, पानी के बर्तन को ढक के रखा करें, खास तौर पर रात के वक्त, और अच्छी और सुकून की नींद के लिए दुरूद पाक पढ़ के सोया करें। दोस्तों, जो शख्स सोते वक्त 21 बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि इसके हर सांस के बदले नेकी लिखो, तो रात के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर सोया करो। दोस्तों, एक हदीस में है कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास को पढ़ लिया करो, तो मौत के अलावा हर चीज से बेखौफ हो जाओगे। दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हर अच्छी बात आपके पास अमानत होती है, और अमानत जल्दी लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।